मला असं वाटतं की माननीय पंतप्रधानांनी खूप चांगला निर्णय घेतला आहे. 10 लाख तरुणांना रोजगार देण्याचा एक अतिशय चांगला हा प्रोजेक्ट आहे. आज 75,000 तरुणांना या ठिकाणी नोकऱ्या देण्यात येणार आहे आणि महाराष्ट्रातही आम्ही हे ठरवलं आहे की 75,000 तरुणांना या ठिकाणी नोकऱ्या द्यायच्या. त्या संदर्भात आम्ही 18,000 पोलिसांच्या भरतीचं जाहिरात देखील येत्या आठवड्याभरामध्ये काढतो आहोत. मुख्यमंत्र्यांनी इतरही विभाग जे आहेत त्या विभागांना निर्देश दिले आहेत, सगळ्या विभागांच्या जाहिराती काढून मोठ्या प्रमाणात तरुणाईला नोकर भरतीमध्ये प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न हा महाराष्ट्रात देखील केला जाणार आहे. त्यामुळे देशभरातले जे काही 10 लाख सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे आहेत तसेच महाराष्ट्रही 75,000 त्या ठिकाणी करेल आणि या व्यतिरिक्त रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या वेगवेगळ्या संधी देखील आम्ही उपलब्ध करून देऊ. देवेंद्र हिंदी में जानना चाहेंगे की जिस तरीके से 75,000 नौकरियां जो है वो आज दी जा रही है लोगों को, कांग्रेस आरोप कर रही है कि 2 करोड़ नौकरियां देने का हर साल का वादा था. देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया और केंद्र सरकार में 10 लाख तरुणों को नौकरी देने का उन्होंने निर्णय लिया है, जिसमें से 75,000 तरुणों को आज नौकरी दी जा रही है. और इसके साथ साथ ये केवल सरकार की नौकरियां है, प्राइवेट सेक्टर में और अलग अलग सेक्टरों में जो रोजगार निर्माण हो रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, उसके आंकड़े भी बार बार सामने आ रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने ये जो पहल की है इसके चलते महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी ये निर्णय किया है कि हम लोग 75,000 तरुणों को सरकार में नौकरी देंगे. 18,000 तो हम लोग पुलिस में दे रहे हैं, जिसकी एक एडवर्टीजमेंट आने वाले 5-7 दिनों में हम निकालेंगे. और मुझे लगता है कि हम लोग इस आने वाले 1 साल में 75,000 तरुणों को हमारे महाराष्ट्र सरकार में नौकरियां देंगे.